नमस्कार, माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी और कंसंट्रेशन यानी याददाश्त, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने की कुछ प्राचीन विधियां शेयर करना चाह रहा हूं। एक दूसरे वीडियो में मैंने कुछ नई टेक्निक शेयर की है, बिल्कुल मॉडर्न, जिसमें ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज, आई बॉल एक्सरसाइजेज वगैरह शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पुरानी टेक्निक्स जो सदा सदा से, क्योंकि मेमोरी और कंसंट्रेशन कोई आज की समस्या नहीं है, ये सदा सदा से माने हजारों साल पुरानी एक नीड है इंसान की कि मेरी मेमोरी इतनी हो कि इनफाइनाइट मेमोरी हो और मैं जिस समय जो चाहूँ रिकॉल कर सकूँ, और एकाग्रता भी ऐसी हो कि मैं जिस चीज पर फोकस करूं उस एक बिंदु पर मेरी पूरी पूरी एनर्जी वहां पर जाकर एकाग्र हो जाए। वो ये जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, ये सदा से थी और सदा रहने वाली चीज है। तो इसको मैं, इसके कुछ जो पॉइंट्स है, उसके कुछ टेक्निक्स हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें से एक टेक्निक सूर्य नमस्कार। ये बहुत पुरानी टेक्निक है और आज भी इसका बड़ी खूबसूरती से इसको एनहेंस किया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया जाता है। कुछ मंत्रास होते हैं, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप किसी रिलीजन से मत जोड़िए, कोई हिंदू धर्म की या किसी इस्लाम की या किसी और की ये टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक यूनिवर्सल है, मानव जाति के लिए है, सबके लिए है। तो इसको किसी धर्म से जोड़ कर ना देखिएगा। सूर्य नमस्कार, सन सूर्य सबके लिए कॉमन है, हम सबके लिए है। अगर सूर्य एक दिन शांत हो गया ना, हम सब भी यहाँ पर शांत हो जाएंगे। ये सब आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो याद दिला दूं कि सूर्य का हमारे साथ कितना गहरा संबंध है। सूर्य के कारण ही, सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ती है, पेड़ पौधे जो है उसकी वजह से वो क्लोरोफिल जो है वो लेकर ऑक्सीजन जनरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम सब श्वास ले पाते हैं। अगर वो नहीं, तो सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली, अगर सूरज ठंडा हो गया तो सब ठंडा हो जाएगा। इसलिए सूर्य को नमस्कार करना एक मानव जाति के साथ जोड़ के उन्होंने इसको बताया है, और बहुत खूबसूरती से इसका बयान जो है हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह में भी किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, आज आपके लिए टेक्निक बेहद यूजफुल है। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे श्रेष्ठ क्रिया इसे कहा जाता है। अकेला अभ्यास जो है वो पूरे योग का और व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। तो सूर्य नमस्कार, आप कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, आप करना चाहें तो बहुत अच्छा है, ना करना चाहें तो भी उसको आप इग्नोर करें अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो, और सबके लिए उपयोगी है। खास तौर पे इसका जो यूज है, जिसके लिए मैं अभी आपको बात कर रहा हूं, इसके जो और हजारों फायदे हैं, उसमें से एक मेजर फायदा है कि आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती है। आपके आपके ब्रेन को जो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज्यादा मिलती है, जिससे आपकी जो सोचने समझने की जो पावर है, जो निर्णय लेने की पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो क्लियर होती है। मेंटल फैकल्टी जो है, अंदर का जो डिपार्टमेंट है, वो क्लियर होता है, साफ होता है, और साफ साफ मन के अंदर ही साफ पिक्चर बन सकती है, और जितनी पिक्चर साफ होंगी उतनी मेमोरी साफ साफ होगी। सिंपल सी बात है, मेमोरी साफ का मतलब समझिए ना, मेमोरी के अंदर कोई भी चीज जब स्टोर होती है वो कैसे होती है, कोई भी चीज अगर सपोज अगर आपने एक सीक्वेंस में 10 चीजें पढ़ी, आपको वो चीजें याद रखना चाहते हो, इस तरह से आमतौर पे हमारा मन शब्दों को याद नहीं रखता, वो हमेशा फोटोज को याद रखता है, पिक्चर्स को याद रखता है, और ये सारी इसको इसलिए इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है। तो वो सारी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर एक खास जगह पर स्टोर्ड रहती हैं, वो माइंड के अंदर। जब आप रिकॉल करना चाहते हो तो आपको एक छोटे से हिंट से आप उसको जोड़ देते हो कि मैंने वो चीज वहां उस बुक में वहां पढ़ी थी। जब आप जैसे ही वो बुक का मेंशन करते हो, वो चीज आपके सामने आकर, अगर आपके आपके सामने अगर आ जाती है, इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी अच्छी है। नहीं तो एक ब्लर्ड सी इमेज आपके सामने आते, धुंधली धुंधली सी, कुछ है, कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सब साफ हो चुका है थोड़े टाइम बाद ही, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है। और सेम है कंसंट्रेशन के लिए, आप पढ़ रहे हैं, किताब खुली है, लेकिन ध्यान जो है किताब
कहीं और ही गया हुआ है, दोस्तों के साथ पिक्चर देख रहा है या गेम खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए, तो एकाग्रता की कमी है। तो उसको फोकस लाने के लिए ये सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। अब इसके सारी स्टेज मैं आपको डिस्क्राइब यहां नहीं कर रहा हूं, ये आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सूर्य नमस्कार पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा, कोई कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ उसका बेनिफिट आपको मेनली बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है वो ये कि आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल क्लियर होती है, साफ सुथरी हो जाती है, मेंटल फैकल्टी एकदम साफ हो जाती है, पूरी बॉडी की ओवरऑलिंग हो जाती है, ये आपके लिए सूर्य नमस्कार का फायदा है। अब इसी तरह से एक दूसरा जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, ये आपने कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा, मेमोरी बढ़ाने के लिए इससे बेहतरीन टेक्निक जो है मैंने शायद ही कोई और देखी हो, सबसे बेहतरीन, क्योंकि इतना रिलैक्स कर देती है ये टेक्निक आपको, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर की तरह जो है गूंज करना। तो इसका मतलब ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मोस्टली क्या होता है कि आंखों को बंद करके इसकी पूरी टेक्निक का भी आप समझ लेंगे, आपको पहले भी पता हो सकती है, हो जो इसका फायदा है सबसे बड़ा, मैं आपको वो पिन पॉइंट करना चाहता हूं। एक बार समझते हैं जरा कैसे किया जाता है और कैसे आपको इसके बेनिफिट क्या होते हैं। चलो पहले टेक्निक समझते हैं, क्या है इसकी टेक्निक। टेक्निक सिंपल सी ये होती है कि आप कैसे भी बैठें, सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे माने पुली क्रॉस करके बैठे लेग्स को, या पद्मासन में बैठे माने एक लेग को ऊपर दूसरी लेग के ऊपर रखे, ऐसे ऐसे किसी भी एक टेक्निक में बैठा, एक तरीके से बैठा जा सकता है, किसी एक आसन में बैठा जा सकता है। तो मेन जो है वो जो अनामिका हमारी उंगली है, जो ये उंगली है अनामिका, इससे आपको इसको दबाकर रखना है, मतलब नाक के छिद्रों को हल्का सा दबाकर रखना है। मेनली आपको इसमें मैंने इस तरीके से जैसे ये फोटो में आपको दिखाया गया है, इस तरीके से आपको दबाकर रखना है यहाँ पर, और ये जो अंगूठे हैं अंगूठों से आप अपने कान के अंदर आप कान को बंद कर सकते हैं, अंगूठों से आप कान को इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। श्वास को थोड़ी देर के लिए अंदर रखें, पेट के अंदर भर लें, और जब आप उसको छोड़ने लगें, जब आप छोड़ने लगें, क्योंकि क्योंकि कान को जब आपने बंद कर लिया तो कान के अंदर वो जो गूंज है, वो जो वाइब्रेशन है, वो भ्रमर की तरह से पैदा होती है, माने इसको कान से बंद करके इस टाइप से आपको भ्रमर की तरह गूंज करनी होती है। ये सिंपल टेक्निक है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, और आपको समझ में आ ही गई होगी, श्वास को आपने अंदर लिया, ठहराया, आंख को आपने इस प्रकार से ये क्लोज किया, आपने ये क्लोज किया यहाँ पर, और कान के अंदर आपके को हल्का सा अंगूठे से कान को भी बंद कर लिया, श्वास को अंदर लिया, उसके बाद आपने पेट में पूरा भर लिया, और जो छोड़ने लगे तो कान को बंद कर लिया, और उसकी गूंज जो है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसको आपने बाहर लाने दिया, उसको आपने सुना। अब ये इतनी कहने को ये सिंपल सी चीज दिखाई पड़ती है, इसमें क्या है, इसमें एक बहुत मजेदार चीज होती है। वो क्या है, हमारे कान का जो ये डिपार्टमेंट है और जो ब्रेन का डिपार्टमेंट है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, हमारे इमोशंस और हमारे ईयर बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि यही कान जो है वो संगीत सुनने का मीडियम भी है, यही कान जो है संगीत सुनने का माध्यम भी है, आवाजें भी सुनते हैं, संगीत भी सुनते हैं, और संगीत से हमारे रिलेशन, हमारे जो इमोशंस का गहरा संबंध है, और इमोशन जो है हमारी सोल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं बहुत डीपली। तो ये जो भ्रमर की जो धुन है, ये पूरे के पूरे इस तंतु, इस नाड़ियां जो इसके अंदर जा रही हैं,
उस सबको गतिमान करते हैं, उस सब के अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं। इस वाइब्रेशन से सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, ब्रेन के 10 डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को वाइब्रेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनकी सबकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाते हैं। अगर सोए पड़े थे तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका इतना बेनिफिट होता है कि अपने आप, माने मेमोरी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। आप जब आधी नींद वाली स्थिति में होते हो, आपको कुछ भी याद नहीं होता उस समय में। जब आप पूरी अलर्ट होते हो, तो जो भी आप देखते हो, जो भी सुनते हो, आपके अंदर कैद हो जाता है, आपके ब्रेन के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन और वो मेमोरी की जो सिचुएशन होती है वो आपको इसके थ्रू अचीव होती है, भ्रामरी प्राणायाम के थ्रू। इसके और कुछ बेनिफिट जो है वो आपको, और आपको मैं दिखा दूं, तनाव दूर होता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर आप वैसे ही टेंशन से पीड़ित हैं, आपको अनिद्रा की सिचुएशन प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत शांति मिलेगी। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है आपको बहुत, आपको शांति देगा। इसके साथ साथ जो है मन जो है इस धुन के साथ बंध जाता है, भ्रमर की जो ये धुन है, इसके मतलब है कि मन की जो चंचलता है, मन की जो भागदौड़ है वो खत्म हो जाती है और एकाग्रता बन जाती है। ब्रेन के बहुत सारी बीमारियों को ये सिंपली जो है ठीक कर देता है, बहुत सारी बीमारियों को ये ओवरकम कर देता है, ठीक कर देता है। जो हमारे इनर ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, इनको पावर मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज होता है इससे। और जो स्टैमर करते हैं लोग, हकलाते हैं, बोलते हुए तुतलाना या हकलाना, उनको बहुत लाभ होता है इससे, बहुत लाभ होता है। मेरे पास बहुत लोगों के फोन या ईमेल आते हैं जिसमें से कुछ लोगों की ये कंप्लेंट होती है स्टैमरिंग की। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, सभी दोस्तों को, कि स्टैमरिंग का एक बेहतरीन इलाज में से एक ये भी है, भ्रामरी प्राणायाम। और भी बहुत सारी बीमारियों में से इसको सहायता मिलती है। इसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है, जो इस चीज से फेमिलियर हैं, अंदर में चल रहा है ओंकार नाद, वो ओंकार नाद से कनेक्ट करने का ये साधन है, बेहतरीन साधन है, बहुत खूबसूरत तरीका है, जो एक यूनिवर्सल, एक साउंड, एक हमिंग साउंड सबके अंदर चल रही है। आप वो साउंड क्या है, आप कभी भी कान को वैसे बंद कर लीजिए बिना किसी भ्रामरी के, आप करके देखिए, अभी करके देखिए, केवल कान को बंद कर दीजिए, कहीं अंदर से एक ऐसी कोई धुन अंदर चल रही है, सुनाई पड़ती है आपको, जरा सोच सुन के देखिएगा। कभी भी किसी भी टाइम, 24 आवर्स अ डे, एनीबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी, किसी भी धर्म से, किसी भी कंट्री से, उसको बोलो कान बंद करे और धुन को सुनने की कोशिश करे। एक हल्की सी धुन चल रही है, उसको अंदर का ओंकार नाद कहा जाता है। मैं इस समय उस स्पिरिचुअल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं वो क्या है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि ये जो भ्रामरी प्राणायाम है उसके से फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए होता है, हमारे बॉडी को उसके लिए तैयार करने के लिए भी हेल्प करता है। स्पिरिचुअल बहुत बेनिफिट होता है इसका, ये भ्रामरी का फायदा है। मेमोरी और कंसंट्रेशन तो बढ़ती ही बढ़ती है, चित्त शांत होता है, दिन में भी आप इसको 10 मिनट भी कर लें सुबह शाम, तो बहुत मिल जाएगा, बहुत कुछ। त्राटक विधि पर आते हैं। त्राटक विधि होती है देखने का तरीका, देखना। अब इसके कहने को ये बहुत पुरानी विधि है, 5,000 साल पहले इसका डेवलप किया गया था। ये इसका मतलब सिंपल सा होता है, एक पॉइंट पर या किसी ज्योति पर एकाग्र होना, अपनी आंखों को फोकस करना, ये आपकी एकाग्रता को प्रखर बनाती है, बिल्कुल पावर देती है, ज्वलंत बनाती है, पावर देती है, फोकस देती है। माने अभी आप एक, आपने देखिए किसी इंसान की आंखें ऐसी डल डल सी होती हैं, बस बस अभी सोया कि तभी सोया, ऐसी आंखें होती हैं, और किसी इंसान की आंखें इतनी ज्वलंत होती हैं, उनमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी पावर होती है कि आप उससे ऑब्सेस हो जाते हो, आप उसकी आंखों में झांकते हो और बस बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस यही सब कुछ है,
आपके विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं, आप उससे ऑब्सेस हो जाते हो। जो वो पर्सन कहते हैं आप उसकी बात को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। हिप्नोटिक जितने भी सजेशन देने का तरीका है वो आप उसके लिए त्राटक बेहतरीन एक टेक्निक है। उसको आप यूज उस वे में करें या ना करें, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन चीज हमें हमारे स्क्रिप्चर्स ने दी है। नेत्र ज्योति तो इससे बढ़ती है, आंखों की रोशनी बहुत अच्छे से बढ़ती है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, सबसे बड़ी बात विल पावर बढ़ती है। लोग मुझसे कई बार बोलते हैं विल पावर बढ़ने का कोई टेक्निक बताए, मैं आपको बता रहा हूं ये विल पावर बढ़ाने की टेक्निक क्या, आप 3 दिन करके देख लो, आपको पता चल जाएगा विल पावर क्या होती है, कैसे बढ़ती है 3 दिन के अंदर। 10-10 मिनट करो 3 दिन तक, देखो कि त्राटक का मजा क्या है। सिंपल बिंदु त्राटक होता है, प्रकाश त्राटक होता है, ये फोटो आप इसमें से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सिंपल आपको एक 1 रुपए का सिक्का जो है ना उतना बड़ा आप बनाएं, एक गोला बनाएं, उसको काले रंग से भर लें और उसके अंदर एक छोटी सी जगह छोड़ दें बिंदु के बराबर, जो कि उसमें येलो कलर भर दें या वाइट रहने दें, येलो कलर थोड़ा सा ज्यादा सुदी उसमें होता है कि वो आपको अट्रैक्ट कर लेता है, ये बिंदु त्राटक है। और उसकी ओर अपलक देखें, बिना पलक झपकाए आप लगातार देखते रहें, अगर पलक झपकती है तो झपकती भी रहे, लेकिन आपने वहां से अपनी अटेंशन को हटाना नहीं है। शुरू में 2-3 मिनट तक ठहराना भी आपको मुश्किल लगेगा, ट्राई करते रहिए 2-3 मिनट, जब तक आप बिल्कुल आंखों से पानी झरेगा आप 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद बंद कर दीजिए पहले दिन। दूसरे दिन 1 आध मिनट और बढ़ाइए, तीसरे दिन 1 आध मिनट और बढ़ाइए, धीरे 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 आप इसको 10-15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक, आधा घंटा भी ले जा सकते हैं। आधा घंटा बहुत होता है, बहुत मिलेगा आपको, बहुत कुछ आपको स्पिरिचुअल जो बेनिफिट होंगे। अगेन मैं, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी देती हैं, इसलिए मैं आपके साथ और डिटेल में शेयर कर रहा हूं। तो ये मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स भी आपको बताई हैं मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की, ये पुरानी टेक्निक्स हैं क्योंकि इनका कनेक्शन स्पिरिचुअली ज्यादा था, क्योंकि पहले लोगों का फोकस स्पिरिचुअल पर ज्यादा था, तो ये स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए भी आपको बहुत उपयोगी होंगी। जो कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, ये उनके लिए भी एक बहुत मजेदार औषधि है ये। दूसरा है प्रकाश त्राटक, यानी एक मोमबत्ती कैंडल आपने रखी, उसकी जो लो का जो सेंट्रल पार्ट है वहां आपने ध्यान टिकाना है, बस उसको देखते रहिए, अपने आप उसका एक ऑरा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, जिस प्रकार ये फोटो में दिखाया हुआ है। आप देखते रहिए इसके अंदर क्लियरली, थोड़ा सा बस आपकी आईज लेवल पर हो या आई लेवल से 1 इंच ऊपर हो, इतना चलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, आपके आईज के लेवल पर हो, कंफर्टेबल हो, आप बैठ सके। बाकी टेक्निक सेम है, बिंदु त्राटक में और प्रकाश त्राटक में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसा काम है लगभग। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिटेशन की टेक्निक्स में इसका इस्तेमाल होता है, मेडिटेशन करते हुए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। आई साइट तो बढ़ती बढ़ती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, पीसफुल आप अपने आप को फील करते हो, इनर स्ट्रेंथ यानी आत्मिक ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ती ही बढ़ती है। अब इसका बाकी चीजें आप इसमें लिखी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको पहले से बता दिया है। जब आप बिंदु को देख रहे हैं, बस इतना देखिए कि पानी आंखों में से पानी आ रहा है, तो आप उसकी चिंता ना करें। थोड़े टाइम आंखों से पानी अगर बहता है तो आंख साफ करके भी आप दोबारा से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना ज्यादा आप लंबे समय तक टिक पाएंगे उतना आपको ओवरऑल फायदा ज्यादा होगा। तो चश्मा आपको नहीं लगाना, अगर आप इस टेक्निक के दौरान जो है आपको चश्मा नहीं लगाना, अगर आपको नजर नहीं आता वो बिंदु, तो बिंदु कुछ समय तक आप बाहर देखते हो और बाद में आंखें बंद करके उस बिंदु को अंतर में भी देख सकते हो। सिमिलरली कैंडल लाइट के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ समय तक आप कैंडल को बाहर देखते हो, नहीं तो आप अंदर में भी उसको टिका सकते हो, आपकी कंसंट्रेशन एकाग्रता तो बनती ही बनती है उसके साथ। तो इसको 3 सप्ताह के लिए तो जरूर कहा गया है, जैसे मैंने कहा कि ध्यान की कोई भी बात, माइंड पावर की कोई भी बात 21 दिन पे शुरू होती है, कि 21 दिन तो आपको कोई भी चीज करनी ही करनी है, उसके बिना आपको रियल फायदा पता नहीं चलेगा।
हाँ, मैं कई बार 3 4 दिन का एग्जाम्पल इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि बहुत लोग इतने ज्यादा ईगर होते हैं रिजल्ट लेने के लिए कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। उनको मिलेगा जरूर, लेकिन एक टच मिलेगा सिर्फ। जो सही चीज है ना, उसको टाइम चाहिए। 21 दिन का टाइम, 21 डेज चाहिए, तभी आपको रियल बेनिफिट उसका हो पाएगा। फिर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, ये मैंने आपको यहाँ फिनिश किया उस चीज को। आप भ्रामरी के जो मैंने आपको त्राटक के बारे में कहा, त्राटक आप 10 मिनट 5 मिनट से शुरू करके 10 15 20 मिनट तक होते हो, आधा घंटा मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत एक आम इंसान को नहीं रहती। आपकी कैपेसिटी पर है आप कितना बैठ सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये बड़ी मजेदार चीज है, ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। यानी इसमें क्या होता है कि इसका निरंतर अभ्यास अगर किया जाता है तो इतनी ऊर्जा अपने अंदर पैदा होती है। नाड़ी शोधन का मतलब हमारे अंदर का जो सिस्टम है ये कंप्लीट, माने लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो सिस्टम है, इसके अंदर नाड़ियों का एक जाल है जो ऑक्सीजन और जो एनर्जी की सप्लाई हमारे अंदर करती है। अगेन जो स्पिरिचुअल रियलिटी वाला वो वीडियो है, उसमें वो क्लियरली उन्होंने नाड़ी शोधन अंदर का जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि हमारे अंदर जो एनर्जी का फ्लो जाता है वो इन नाड़ियों के जरिए जाता है। इन नाड़ियों की जो संख्या है 72,000 है हमारे शरीर के अंदर। तो ये जो प्राणायाम है, ये हमारे ईड़ा और पिंगला जो दो बड़ी नाड़ियां हैं उनको बैलेंस करके जो एनर्जी का फ्लो, वो थर्ड जो है माने सुषुम्ना नाड़ी, उसकी तरफ फ्लो को बढ़ाता है। तो ये सिंपल सा, इसमें आप अगर प्राण मुद्रा, वैसे तो इसके लिए बेहतर रहती है, प्राण मुद्रा इसके लिए बेहतर रहती है, लेकिन आप सिंपल, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपल इसको यहां से, मैंने नाक को बंद किया, इनहेल किया अच्छे से और यहां से शुरू में आपने एक बार इसी से एक्सहेल कर दिया। अब आपको यहां से इनहेल करना है, इसको बंद कर दिया, यहां से आपने छोड़ा, अब इसी से इनहेल किया, वापस स्विच कर दिया, बस ऐसा टेक्निक है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। यहां से लिया, यहां छोड़ा और फिर यहां से लिया, यहां छोड़ा। नॉर्मली अभी जो बैठे हुए हम कर रहे हैं ना, श्वास ले रहे हैं, हमारा एक स्वर चलता है इनमें से, माने या तो लेफ्ट चलेगा, आप देखिएगा कभी यहां पर आप हाथ रख के देखिए, एक में से हवा ज्यादा आती है और एक में से नाक के बराबर थोड़ी सी हवा आती है, तो एक टाइम में एक ही चल रहा होता है, एक स्वर बोलते हैं इसको, तो एक टाइम में एक ही फ्लो चलता है, या ये चलेगा लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा। इसमें भी अलग अलग बहुत सारे भेद हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेन बात है कि जिस समय हम ये नाड़ी शोधन करते हैं तो हम लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, दोनों को हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है, क्योंकि ये जो 32 72 हजार नाड़ियां हमारे अंदर है, इन सबको ये प्योरीफाई करता है। अंदर की मेंटल फैकल्टी जो है, बिल्कुल अंदर के सारे डिपार्टमेंट क्लियर हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर बिल्कुल ताजगी आ जाती है, एकदम से इस रिफ्रेशमेंट हो जाती है नाड़ी शोधन करने से। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है बच्चों के लिए, स्पेशली जो पढ़ने बैठे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, उनके लिए बेहतरीन टेक्निक है। पढ़ने से पहले आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पढ़ने के दौरान, जैसे आधे घंटे के बाद आप ब्रेक लेते हैं, 20 मिनट के बाद आप ब्रेक लेते हैं, उसके दौरान आप ऐसा कर सकते हैं। कभी बैठे बैठे मन इधर उधर दौड़ जाता है, तुरंत आप इसका उपयोग कर सकते हैं उस टाइम के दौरान भी। बड़ी सिंपल सी चीज है, और बहुत सारे केमिकल जो प्रॉब्लम्स हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं उन सबको ये हटाता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक ये ठीक कर देता है, और पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है, माने थर्ड आई को एक्टिवेट करने में भी इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग होता है, क्योंकि मेन है उस फैकल्टी को क्लियर कर देता है अंदर की। उसके बाद ध्यान ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये प्राण मुद्रा करके दिखाई हुई है, आप इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये प्राण मुद्रा, इसमें क्या होता है ये देखिए, आपको ये दिखा रखी है ऐसे करके, मैंने इस तरीके से होती है ये ऐसे प्राण मुद्रा। तो इसमें आपको ये बताया हुआ है, इसको आप ऐसे बंद करते हैं,
आप इसको किसी भी रूप में करें, कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये एक सिंपल टेक्निक है, इससे आपको और हेल्प मिलती है। मुद्रा जो है इसका एक और उपयोग होता है, इसकी भी एक अलग ही साइंस है, इसके बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे। तो इसके लिए बस आपको ज्यादा वो नहीं करना, आपको कोई ज्यादा डिटेल में बहुत लंबे चौड़ी विधि नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा सिंपल सी, अगर आपने इसको देखा है तो आपको सिंपल इन दो के द्वारा आपको इसको बंद किया, सांस को इनहेल किया, यहां से एक्सहेल किया, और यहां से फिर इनहेल किया, इसको फिर बंद किया, यहां से आपने निकाल दिया, दैट्स इट। ये आपका एक नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा हो गया। इसके बाद अब कुछ आयुर्वेदिक तरीके हैं आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के, वो ज्यादा बड़ी बातें दूर ना करते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो आप घर में उपयोग करते हैं कर सकते हैं। अखरोट, ब्रेन, अखरोट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेन की तरह से नेचर ने बनाया है, एक हिंट दिया है कि ये ब्रेन की इंप्रूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो अखरोट जो है डेफिनेटली मेमोरी में हेल्प करती हैं। 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश रोज अगर आप भिगो कर रात को रखें, सुबह खा लें, बहुत आपको उससे बेनिफिट होगा। बच्चों के लिए बेहतरीन चीज है, बेहतरीन। 20 ग्राम अखरोट माने एक पूरा अखरोट आप कह सकते हैं, और 10 किशमिश रोजाना रात को भिगो कर रखें, सुबह खा लें। दूसरी चीज है अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड ऑयल, जिसकी देखिए साथ में एक फोटो बना के रखी हुई है, फ्लैक्स सीड ऑयल। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपको एक तो ये चीप बहुत है, ये फ्लैक्स सीड ऑयल, अलसी का तेल बाजार में इस नाम से मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अलसी का तेल नहीं मिल पाए तो खाली अलसी मिल जाए तो भी आपके लिए बेहतरीन है। तिल जैसे दाने होते हैं, तिल की जैसे तिल के दाने होते हैं ना, उसके थोड़े से बड़े होते हैं, फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं इनको, इसका ऑयल होता है, बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिनकी फोटोज बनाई हुई है, इसके अलग से कैप्सूल भी बाजार में मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के, तो वो भी आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये ऑयल का भी एक चम्मच आप खाने के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, सोचने समझे की शक्ति को बढ़ाता है, डिसीजन लेने की पावर, प्लानिंग को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। और ये मैं अलसी तो एक अमृत समान औषधि है, जिसको मैं रोज रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इसको लीजिए, बेहतरीन चीज है, बेहतरीन। तो अलसी का उपयोग आप जरूर अपने आप, ये एडल्ट्स के लिए, मतलब हम सबके लिए भी बेहद उपयोगी है। अलसी के 20 ग्राम जो है बीज आप सुबह शाम अगर सेवन करें, खाएं, और बेहतरीन भुने हुए बीज होते हैं, बड़े खाने में भी अच्छे टेस्टी होते हैं, और उसका उपयोग जो है शरीर के लिए बेहतरीन होता है, बहुत 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 उपयोगी चीज है अलसी। ब्रह्मी, ब्रह्मी जो है एक पौधा होता है, इसकी एक जड़ी बूटी है, इसका एक चम्मच मिलता है रस, इसका ब्रह्मी रस आता है, उसका एक चम्मच जो है ना बहुत हितकारी है। इसके 7 पत्ते चबाकर खाने से भी वही लाभ मिलता है, और दिमाग की शक्ति लगातार इससे मेंटेन रहती है और बढ़ती रहती है। या बादाम, ब्रह्मी बहुत बेहतरीन चीज है, ब्रह्मी के ऑयल मार्केट में मिल जाता है, ब्रह्मी का जड़ी, इसका घोल कई टाइप से मिलता है, पत्ते भी मिल जाते हैं सूखे हुए, वो भी होता है। तो किसी भी रूप में आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, रात को 9 बादाम रात को पानी में भिगो कर रख दें, छिलके उतार कर बारीक पेस्ट बनाकर, और 3 चम्मच शहद डालकर आप उसको हल्की सी गर्म पानी डालकर, आप उसमें पानी या दूध डालकर आप उसमें पी सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है दिमाग को अपनी मेमोरी को मेंटेन रखने के लिए। ये कुछ और खाने की चीजें, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, बादाम दे रखी हैं, ब्लूबेरीज दे रखी हैं, स्ट्रॉबेरीज दे रखी हैं, ऑरेंज यानी संतरा, विटामिन सी की वजह से भी आपका जो है मेमोरी आपकी बढ़ती है। ये आप टेक्निक्स, आप ये खाने के ये चीजें भी आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से इस वक्त यही इनपुट थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर गेन किया होगा, लाभ उठाया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो, वीडियो और आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, आप उनको खुद भी देखें, लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।